Hello everyone. Greetings in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबको नमस्कार हमारे प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आप सबको शुभकामनाएं. This is a program for young generations. ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवा पीढ़ियों के लिए है. Now who is a young generation? युवा पीढ़ी कौन है? It depends on how young your heart is. वो उस पर निर्भर है कि आपके हृदय कितनी जवान है. If your heart says you are young, अगर आपके हृदय कहता है कि आप जवान हैं, you are young. आप जवान हैं. If your heart says you are old, अगर आपका हृदय कहता है कि आप बुजुर्ग हैं, you are old. आप बुजुर्ग हैं. Age is just a number. उम्र सिर्फ एक संख्या है. Jesus calls people from all walks of life. जीवन के हर क्षेत्र में से लोगों को परमेश्वर पुकारता है. That's why the kingdom of Jesus is so exciting. इसी वजह से प्रभु यीशु की राज्य बहुत ही उत्सुक है. That's why this kingdom of Jesus is so unique. इसी वजह से परमेश्वर के राज्य बहुत ही अलग है. Because you don't need qualification to be in this kingdom. क्योंकि इस राज्य में आपको होने के लिए कुछ योग्यताओं की जरूरत नहीं है. You know, this is the only group that you have to be unqualified to join. यही एक ऐसे झुंड है आपके लिए जो है कुछ योग्यता के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है. Jesus calls the unqualified. जिनमें कोई योग्यता नहीं है उन्हें यीशु पुकारता है. All other organizations to be a member of that organization or group, you have to be qualified. बाकी हर एक संस्थाओं में जो है अगर उसमें आप जो है वो उसमें सदस्य बनना है तो आपको कुछ योग्यताएं होना जरूरी है. They ask you for qualification. आपकी योग्यताओं के बारे में पूछते हैं. The more qualification, the better. जितना आपका योग्यता होगा उतना ही बेहतर होगा. You have a good chance of being in that group. आपके लिए अच्छा मौका होगा उस झुंड में रहने के लिए. But if you look at this group of Jesus, मगर आप यीशु के झुंड के लोगों को देखें, you don't need to be qualified. आपको इसके लिए योग्य होने की जरूरत नहीं है. That's why if you look at the church of Jesus Christ, इसीलिए मसीह की जो कलीसिया का आकार देखें, we see different kinds of people. अलग अलग लोगों को देख सकते हैं. The rich and the poor. अमीर और गरीब. The white and black. सफेद और काले लोग. The tall one and the short ones. लंबे और गिट्टे. Everyone God calls for his kingdom. हर एक को परमेश्वर अपने राज्य के लिए पुकारते हैं. If there was a qualification, अगर कुछ योग्यता की जरूरत होता, none of us would stand it. हम में से एक भी वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते. Because we have people who are more intelligent than us. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बुद्धिमान हैं. There are people who are very rich. बहुत से अमीर लोग भी हैं. Who could easily buy their way into the kingdom. उसके राज्य के लिए अपने रास्ता कैसे भी वो खरीदे होंगे. There are very influential people. बहुत ही प्रभावशाली लोग भी हैं. There are world powers. संसार के सामत पाए हुए लोग हैं. Who can easily find a way into this kingdom. एक आसान रास्ता पा लिए होंगे इस राज्य के अंदर. And there are some beautiful girls and handsome boys. बहुत ही सुंदर दिखने वाले लड़के लड़कियां भी हैं. With their beauty and their charm, they can easily be a part of this kingdom. अपने आप के सुंदरता के द्वारा आसानी से इस राज्य का भाग बने होंगे. There are well qualified people. बहुत ही सक्षम लोग यहाँ पर हैं. But the amazing thing is the kingdom of God. मगर अद्भुत बात परमेश्वर के राज्य के विषय में. Jesus said, "You did not choose me." यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना. I chose you. मैंने तुम्हें चुन लिया हूँ. That's the difference, my dear friends. प्रिय मित्रों, यही वो विभिन्नता है. I do not understand why Jesus chooses people. मैं नहीं जानता हूँ, समझ पाता हूँ कि यीशु ऐसे लोगों को क्यों चुनता है. Why people like you and me? लोग जैसे आप और मेरे जैसे. When there are millions of people qualified. जहाँ पे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो योग्य हैं. Who can influence and add to the value of the kingdom? जो बहुत सारे प्रभाव ला सकते हैं प्रभु के राज्य में. Very good in management. प्रबंधक में बहुत ही अच्छे हैं. Very good orators. अच्छी प्रचारक हैं. Very good thinkers. अच्छे सोचने वाले लोग हैं. The rich and the famous. वो प्रसिद्ध भी हैं, अमीर भी हैं. They could easily find a way into the kingdom. राज्य में आसान रास्ता पा लिए होंगे. But Jesus chose you and me. मगर यीशु ने आपको और मुझे चुना है. This is God. यही परमेश्वर है. This is God. यही परमेश्वर है. That's why we don't boast about in our flesh. इसी वजह से हम अपने शरीर में घमंड नहीं करते. That's why we don't have anything to be proud of. इसी वजह से हमारे पास घमंड की कोई बात है ही नहीं.
Everything belongs to Jesus. हर बातें यीशु का ही है. Let's look at the Lord's Prayer once again. फिर से एक बार परमेश्वर की इस प्रार्थना को देखें. Matthew chapter 6 verses 9 to 13. मत्ती रचित सुसमाचार छठे अध्याय 9 से 13वें वचन तक. And let's make sure that we recite it by heart. मैं हम चाहते कि इसे अपने मनन से बोलने पाएं. Let me read it for you. आपके लिए हम पढ़ें. Pray then like this. Our Father, who is in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा. माय डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपका पहचान क्या है? हु गिव्स यू द आइडेंटिटी? कौन आपको पहचान देता है? दिस जनरेशन इज फेसिंग अ सीवियर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. आज की जो पीढ़ी जो है अपनी पहचान की बड़े जो तंगी में है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट बैटल प्लान ऑफ सैटन. और यही एक ऐसा बड़ा युद्ध की स्थान है शैतान का. बिफोर सिन रूल द वर्ल्ड, पृथ्वी पर पाप राज्य करने से पहले, एडम डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम. आदम के पास ये समस्या नहीं था. ही वॉज मेड लाइक गॉड, परमेश्वर के समान बनाया गया था. एंड व्हेन गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि किया है. देयर इज सच अ ब्यूटीफुल हार्मनी इन क्रिएशन. सृष्टि में एक अच्छा जो है मेल झोल था. आफ्टर गॉड क्रिएटेड ही सेड दिस इज गुड. परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद कहा यह अच्छा है. नथिंग कैन बी एडेड टू इट, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं था. नथिंग कुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से घटाने की किसी चीज की जरूरत नहीं थी. एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड बिकेम गुड, हर चीज परमेश्वर ने जो सृष्टि किया वो अच्छा हुआ. That's the thing that we need to understand, my dear friends. इनी बातों का हमें समझना है प्रिय मित्रों. One day Satan came. एक दिन शैतान आया. The enemy. शत्रु. He started speaking with Eve. हव्वा से बात करना शुरू किया. And he said. उसने कहा. Did God say that you will not be like him? क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा कि तुम उसके समान नहीं बन सकते हो? If you eat this fruit, did he say you would die? क्या इस फल खाने से तुम मर जाओगे करके कहा है? No. नहीं. You will not die. मरेंगे नहीं. In fact, you will become better than God. मगर आप परमेश्वर से भी बेहतर हो जाएंगे. You will become more powerful. और सामर्थ्य हो जाओगे. You will become greater than God. परमेश्वर से भी महान हो जाएंगे. You will become more clever than God. परमेश्वर से भी बहुत ही बुद्धिमान हो जाएंगे. That's what the enemy told Eve. शत्रु ने हव्वा से यही कहा. Now Eve had to make a choice. अभी हव्वा को एक चुनाव करना है. She had an identity given by God. अपने लिए उसकी एक पहचान परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ था. Adam had an identity given by God himself. आदम के लिए अपनी पहचान थी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ. They could add nothing to it. उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं था. They could subtract nothing from it. उसमें से कोई घटाने की भी जरूरत नहीं है. Everything was perfect. हर बातें सिद्ध था. Then Eve started doubting her identity. मगर हव्वा अपनी पहचान का शक करने लगी. She started thinking. सोचने लग गई. Wow. हाँ. Good is not good after all. जो अच्छा है मगर वो अच्छा है नहीं. There is something called better. उससे भी बेहतर करके है. And then there is something called best. उसमें भी बहुत ही बेहतर करके है. And then there is something called excellent. उससे भी बढ़कर एक बेहतर है. That's how we do our ratings, isn't it? हम अपना नाप ऐसा ही करते हैं ना? The teachers give us rating in school that way. और पाठशाला में आपकी टीचर जो है ऐसे ही देती है. Now good is not good anymore. जो अच्छा था अभी वो अच्छा है ही नहीं. You don't become happy when you get good. जब कोई कहता अच्छा है तो आप संतुष्ट नहीं होते हैं. There's something called better.
कुछ ऐसा शब्द है बेहतर, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बेस्ट, उससे भी ऊंचा और बेहतर है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सीलेंट, और सबसे बहुत ही जो है बेहतर और अलग है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड जीनियस, और बहुत ही बुद्धिमानी है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइव स्टार, और पांच सितारे, फाइव स्टार रेटिंग्स, पांच सितारों दे देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, नथिंग कुड बी एडेड, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। एडम्स लाइफ वाज अ लाइफ ऑफ ब्लिस, आदम की जिंदगी बहुत ही आशीषित जिंदगी था। He could add nothing. उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं था। Not many choices to make. बहुत सारे चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। Only one. सिर्फ एक ही एक। Don't eat of that tree. उस पेड़ का फल नहीं खाएं। Rest you can do everything. बाकी सब कुछ कर सकते हैं। As soon as Eve wanted to become better. जब हव्वा बेहतर होना चाहती थी। She wanted to excel on what God had already made her. जो परमेश्वर से पहले से किया हुआ है उससे भी बहुत बेहतर होना चाहती थी। She wanted to become someone other than what God created her to be. जो परमेश्वर से सृष्टि किया है उससे भी बढ़कर वो एक अलग होना चाहती थी। The Pandora's box of choices opened before them. और चुनावों की डिब्बा जो है उसके लिए खुल गया। Now Satan drowns us in a world of choices. आज शैतान हमें कई चुनावों के डब्बे में डुबा के रखता है। And he wants us to complete our life fighting those battles. वो चाहता कि हमारी जिंदगी भर इसी जो है लड़ाई में लड़ते रहें। I imagine our life as a life in a box. मैं कल्पना कर सकता हूँ कि हमारी जिंदगी एक डिब्बे के अंदर की जिंदगी है। We look and pick up things for our lives. हम देखते हैं, छूनते हैं, उठा लेते हैं चीजों को हमारे लिए। It's like a shopping mall. एक जो है बड़ी जो है शॉपिंग मॉल के समान है। You go to buy a toothpaste. आप जो है टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं। And you have hundreds of brands waiting for you. आपके लिए सैकड़ों ब्रांड जो इंतजार करता है। You want to buy a soap. आपके लिए साबुन खरीदना चाहते हैं। You have hundreds of brands of soap. अभी सैकड़ों ऐसे ब्रांड आ चुकी है साबुन का। यू आर ड्राउंड इन अ वर्ल्ड ऑफ चॉइसेस, चुनाव के संसार में आप डूब चुके हैं। जस्ट फॉर टू बाय अ पैंट, एक पैंट खरीदने के लिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव, हजारों चुनाव आपके सामने करने के लिए। टू मैरी अ पर्सन, एक व्यक्ति से विवाह करने के लिए। यू ऑल हैव अ चॉइस ऑफ लिस्ट, आपके पास चुनाव की बड़ी सूची है। यू वांट द पर्सन टू बी दिस 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 दिस, यू हैव अ मार्कअप लिस्ट, और आपके पास बड़ी सूची है कि ये व्यक्ति ऐसे 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 होना है करके। एंड योर लाइफ इज ड्राउन्ड इन दैट, आपकी जिंदगी उसमें डूब चुका है। योर लाइफ इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, आपकी जिंदगी संघर्ष में है एक नौकरी ढूंढने के लिए। Too many choices. बहुत सारे चुनाव है। A student is fighting to study which career he or she wants. एक जो है विद्यार्थी संघर्ष करता है कि किस प्रकार की पढ़ाई उसे पढ़ना है करके। Where should I go? कहाँ मुझे जाना है? What course should I take? क्या पढ़ाई मुझे लेना है? What should I study? किन चीजों की मुझे पढ़ना है? Is this subject important? क्या ये विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा? Should I leave this subject? क्या इन विषयों को मैं छोड़ दूं? Half of your life is wasted because of options and choices. आधा जिंदगी आपका व्यर्थ हो चुका है क्योंकि आपको चुनाव करना पड़ता है। Satan opened the door of choices. शैतान ने चुनाव की उस द्वार को खोल दिया। My dear friends, प्रिय मित्रों, when we start adding up, जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, to what God has made us, जो हमें परमेश्वर ने जिस रीति से सृष्टि किया है, we end up in wrong place. हम गलत स्थान में पहुंच जाते हैं। The television celebrity are not our role models. जो टीवियों की अभिनेता लोग हमारे लिए एक नमूना नहीं हैं। The sports mega stars are not our roles. खेल के बड़े सितारे वाले लोग हमारी नमूना नहीं हैं। You start becoming someone whom God did not create you to be. आप वैसे व्यक्ति होना चाहते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको सृष्टि नहीं किया है। You look at a wonderful or a great singer. बड़े जो है गीतकार को आप देखते हैं। Or even you look at a great worship leader. हो सकता है एक बड़े आराधक को भी देख रहे होंगे। And you try to live your life imitating him or her. आप कोशिश करते रहते हैं कि उनकी या इनकी जो नकल करने वाली जिंदगी जिए। And in that process, इस प्रक्रिया में, you end up being a person whom God did not create you to be. आप ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जैसे परमेश्वर ने आपको सृष्टि नहीं किया है। My dear friends, प्रिय मित्रों,
वी वॉन्ट टू बी एवरीथिंग बट आवर सेल्फ। हम अपने आप को छोड़कर बाकी सब कुछ होना चाहते हैं। When my son was growing up, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, One day he wanted to be a cricketer. एक दिन वो जो है बड़े क्रिकेट का जो खिलाड़ी होना चाहता था। And he told me to buy cricket items or cricket gears for him. और उसने जो है पूछा कि सारे वो बल्लेबाजी की जो है चीजों को मुझे खरीद के दीजिए। One week later he wanted to be a footballer. एक हफ्ते के बाद जो है फुटबॉल खेलना चाहता था। Again next week he wanted to be a drummer. अगले हफ्ते जो है वो ड्रम बजाने वाला बनना चाहता था। And again next week he came and he wanted to learn swimming. और अगले हफ्ते आके कहा मुझे जो तैरने के लिए सीखना है। Because he heard his friends talking about a famous swimmer. क्योंकि उसके दोस्तों की बातों को सुना जो प्रसिद्ध जो तैरने वालों के विषय में। And next time he wanted to be an actor. उसके अगले बाद जो है एक अभिनेता बनना चाह रहा था। Because in his school there was one person who acted and made everyone cry. क्योंकि उसके स्कूल में एक ऐसा व्यक्ति था ऐसे जो है नाटक करके सबको रुला दिया। My dear friends, प्रिय मित्रों, This is what happens in our life. हमारे जिंदगी में ऐसा ही होता है। If you move away from what God wants you to be, जो प्रभु होना चाहता है आप उसमें से हटने लग जाएं। You become a person without identity. आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो आपकी कोई पहचान नहीं है। This is called identity crisis. और यही जो है पहचान की कमियां। Coming back to Matthew chapter 6. मत्ती छठे अध्याय में वापस आते हैं। Let me ask you another question. एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। Where is your home? आपका घर कहाँ पर है? A home for a person is his greatest identity. एक व्यक्ति के लिए उसका घर ही बड़ी पहचान है। A man's greatest identity is his place of residence. एक व्यक्ति की बड़ी पहचान जो है उसका घर है। Home defines a person. घर एक व्यक्ति की विवरण करता है। You know the most painful thing about a person. आप जानते हैं एक व्यक्ति की बड़ी दर्द वाली चीज क्या है? When he is away from his hometown. जब वो अपनी जो है खुद की जगह से दूर रहता है। When he is away from his land. अपने जमीन से जब दूर रहता है। When people call him, you are a man without address. लोग उसे कहते हैं तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं है। यू आर अ रेफ्यूजी, तुम तो शरण लेने आए हुए हैं। यू आर अ वैगाबोंड, तुम भटकने वाले लोग हैं। यू डोंट हैव एनी होम, तुम्हारा कोई घर नहीं है। यू लिव इन द स्ट्रीट्स, सड़कों में रहते हो। मेनी ऑफ आवर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे बहुत सारे युवा भाई बहन, व्हेन दे कम टू बिग सिटीज, बड़े शहर में जब आते हैं, मेनी ऑफ देम गेट अब्यूज्ड, बहुत सारे के ऊपर शोषण किया जाता है। पीपल ट्राई टू डोमिनेट देम, लोग उनके ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं। एंड देन दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे कम टू मी, और ऐसे भाई बहन मेरे पास आते हैं। एंड आउट ऑफ एंगर दे से, ओह हैड वी बीन इन आवर प्लेस, बड़े गुस्से से कहते हो सकता अगर हम अपनी जगह में रहते। Had this person been near my house? अगर ये व्यक्ति मेरे घर के बगल में होता। My dear friends, प्रिय मित्रों, home is where your power comes from. जो घर है वहीं पर आपका सामर्थ्य भी आता है। The nearer you are to your home, जितना आप करीब अपने घर के पास रहते हैं, the more powerful you become. उतना ही आप ताकतवर हो जाते हैं। The more influential you become. उतना प्रभावशाली हो जाते हैं। In your home, you are king. अपने घर में आप राजा है। Isn't it like that? क्या ऐसा नहीं है? Jesus said. यीशु ने कहा। Our Father. हमारे पिता, Who is in heaven? जो स्वर्ग में हैं, Our Father has an identity. हमारा परमेश्वर का पिता का एक पहचान है। If you know where he lives, वो जहां रहता करके अगर आप जानते हैं, you will know your true identity. आप अपनी पहचान को जानने पाएंगे। Let's pray. I'm प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं। We bless you, Lord. हम आपका धन्य कहते हैं प्रभु। Because we are not born without an identity. क्योंकि हम बिना कुछ पहचान हमने जन्म नहीं लिया है। Jeremiah 1:5 says. यिर्मयाह पहला अध्याय का पांचवा पद कहता है। Before I was born. मेरे जन्म से पहले। You knew me. आप मुझे जानते हैं। You know where we are. हम कहाँ थे आप जानते हैं। You know who we are. हम जानते हैं कि हम कौन हैं। We are not lost in this vast sea of humanity. मनुष्य की बड़ी इस समुन्दर में हम खो नहीं चुके हैं। You know us by our name. आप हमें अपने नाम से पहचानते हैं। You call us by your name. हमारे नाम से आप पुकारते हैं। You have our names inscribed in the palm of your hand. हमारे नामों को अपने हाथ में खोद के रखे हैं। Father, we pray. पिता हम प्रार्थना करते हैं। Even as you know us. जैसे कि आप हमें जानते हैं। Help us to know ourselves, Father. हमें मदद करें कि हम अपने आप की पहचान कर सकें। Help us to know ourselves, Father. अपने आप को पहचान
पहचान करने के लिए मदद करिए पिता, so that we may truly know who we belong to. ताकि सच्चाई से जानने पाएं हम किस पर हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for this identity. इस पहचान के लिए धन्यवाद. Open our eyes. हमारी आंखों को खोल दे. So that we may know where we belong. ताकि हम जान सके कि हम कहां से हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन. My dear friends. प्रिय मित्रों. I pray that this program was a blessing to you. हमारी प्रार्थना यह है कि ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष का हो. Do keep writing to us in the email address given. और जो ईमेल की पता दिया जा रहा है उसमें आप लिख के बताएं. And send us the wonderful testimony of things God is doing in your life. जो अद्भुत गवाही जो आपके जिंदगी का है मैं लिख के बताएं. God bless you till we meet again. अगले बार मिलते तक प्रभु आपको आशीष दें. सिक्किम का प्रिय दर्शक वृंद, अब तपाईले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जीसस मिनिस्ट्रीज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ. हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङ्गो, ठेगाना AJC बोस रोड, सर्किट हाउस, दार्जिलिङ 734101, पश्चिम बङ्गाल. सम्पर्क नम्बर 9851025098, 9564371338. सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ, आरिथाङ, आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक, सिक्किम 737101. सम्पर्क नम्बर 7797888563. तपाईँले आफ्नो चेक और डिमान्ड ड्राफ्ट जीसस मिनिस्ट्रीज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ. हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जीसस मिनिस्ट्रीज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस, कालिम्पोङ 734301. अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 03552255052. हाम्रो इमेल आइडी छ jmkpg@jesusministries.org. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, भारत. हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.